वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टॉप या न्यूज चैनल। मैं आपके साथ हूं आपका भाई संजीव कुमार शुक्ला। साथियों, आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप सभी को, जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरे देशवासी, पूरे भोजपुरी दर्शकों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार या सबसे बड़े एक्टर खेसारी लाल यादव जी विदेश में गए संघर्ष 2 मूवी का शूटिंग करने, लेकिन देशभक्ति भी नहीं भूले। वहाँ पर जाकर देखिए कैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। साथ में जितने भी संघर्ष 2 के जो कलाकार हैं वहाँ पर, पराग पाटिल जी इसको वीडियो को अपने शेयर किए हैं, सभी लोग मतलब भारत माता की जयकार लगा रहे हैं वहाँ पर विदेशों में जाकर। देखिए दोस्तों, चाहे आप कुछ भी भूल जाइए, आप दुनिया में सब कुछ भूल जाइए, मगर इस देश को मत भूलिएगा। यह देश है ना, बहुत ही क्या बोले, सोने के चिड़िया पहले कहा जाता था, आज भी वही है, बस थोड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया है। बस नेता विधायक जो होते हैं ना, वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी लोगों के दिल में अभी देशभक्ति अगर नहीं रहता तो शायद आप देश भर में इतना नहीं देखते। हर घर पर झंडा, हर घर पर झंडा लगाया गया, क्यों? अभी भी देशभक्ति मतलब लोग दिल में देशभक्ति के लिए प्रेम है, देश के लिए जान देने के लिए नौछार हो जाते हैं, हम जान दे देंगे। कितने युवा आर्मी के लिए बोलते हैं कि नहीं, हम आर्मी में जाएंगे, कुछ और सोचते ही नहीं हैं। तो साथियों, उन सभी युवाओं को भी धन्यवाद जो हमारे देश के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो साथियों, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े जाने माने कलाकार खेसारी लाल यादव भी जाकर विदेश में भारत माता की जयकार लगा रहे हैं। तो चलिए साथियों, अपडेट बताना जरूरी था कि खेसारी लाल यादव अभी आप सभी को भूले नहीं है, भारत माता को भूले नहीं है, चाहे वो कहीं भी चले जाए, लेकिन उनके लिए भारत माता हमेशा सर्वोपरि रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।